सुतम पंच पदम नमामि अरहंत भाषी अथम गण हर देवी ही मध्यम सम्मम पणमाम वर्त जो सुदराण मोहिम तिरसा इच्छा मंत्री सदभक्ति का सुख को तिरसा लोची हम गोवंग पैने पावड़ परम सुत परमाणु पुब गई चूलिया चेव सुतत्तय थुईदम कहाय सहाय सयान चकल मन चेमी पूजेमी मंदामी नमोन सामी दुख को कम को वो हिलाओं सुगई गमनम समाय वर्णम जिन्मुन संपत्ति हो मध्यम अपराणी स्वाध्याय विदायम श्रीमदाचार्य भक्ति कायु सर्गम श्रुतजलधि पारगेभ्यः स्वपरमतपिभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसु गुणसमग्रे पञ्चभिहाचार करणसुन्दर्षि शिष्यानुगकुशले धम्मायुधि सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जमेनियो तरन्ति संसारसायुरं घोरं छिन्नन्ति अर्चकं मां जम्मनमरणं न पाविन्ति ये नित्यं वृतमंत हो मुनिता ध्यानाप्लि मुद्राकुला षट्कर्मा विरता सबोधनना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तिगोदिका मोक्षद्वारक पाठ पाठ नपटा प्रणंत माम साधव गुरुव पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मुख्य मार्गोपदेशका इच्छामंते आयुर्भक्ति कांसको को तत्सालोची समनान समदोषण समचरित जित्तानम पंचभिया चाराणम आयराणम आयारादि सदमानोदेशानु उवध्यायानम तिरियनुगुण पालरयानम सब साहूनम सयानचिकल मंचेमी पूजेमी मंदामी नमम सामी दुख को कम को बोहिला सुगई गमनम समाय मरणम जनून संपत्ति हो मध्यम गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जनेश्वरम् स्वभाव गुण व्यंजन पद ये है ना 21-22 स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायाः अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य प्रत्येक द्रव्य के स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय नहीं होते किंतु कुछ ही द्रव्य के होते। स्वभाव यानी विभाव से रहित गुण तो प्रसिद्ध है व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्ट ज्ञान दर्शन बीज और सुख ये अनंत चतुष्टय की गिनती में आते हैं और इनको गुण के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। इसके साथ साथ स्वभाव यानी
निर्मल विकार से रहित इस प्रकार स्वीकार किया है कि जीव के चार स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। जीवस्य कहा ये पर्याय जीव के हैं, पर्याय गुण की नहीं होती, इससे भी स्पष्ट हो जाता है। पुद्गलस्य तु जनुकादयोः विभाव व्यंजन पर्यायः पुद्गल के तो जनुक यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से, एक अणु दूसरे अणु से जब स्निग्धत्व आदि के योग में बंध को प्राप्त होता है उस समय वह स्वभाव रूप न रह करके विभाव रूप परिणमन कर जाता है। उस समय उसको विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय वाला कहते हैं। विभाव इसलिए अणु से अणुअंतर का संबंध हो गया, द्रव्य इसलिए कहा यह द्रव्य का कथन किया जा रहा। व्यंजन इसलिए कहा कि बहुप्रदेशता अथवा स्थूल रूप धारण कर लेता, सूक्ष्मता का अभाव हुआ, स्वभाव का अभाव हुआ, इसलिए स्कंदात्मक पुद्गलों को विभाव गुण व्यंजन पर विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय के रूप में स्वीकारा। ये चूंकि अनंत चतुष्टय तेरहवें गुण स्थान से प्राप्त होता है इस विवक्षा में कहा है, और वह सिद्धों में जो होते हैं वो एक प्रकार से शरीरातीत अवस्था को लेकर के कहा। सिद्धों के गुणों के पीछा से आठ और ये चार घातिया कर्मों के नष्ट होने के फल स्वरूप चार अनंत चतुष्टय बताया और उसमें सुख को भी गर्भित किया है, बीज को भी गर्भित किया है, दर्शन भी पृथक है, ज्ञान भी पृथक है, बीज भी पृथक है और सुख भी पृथक है, अन्यथा चतुष्टय नहीं कहा जा सकती। नहीं, चूंकि यह जीवन मुक्ति एक अपने यहां मानी गई है तो मुक्ति में सुख मिलना अनिवार्य। अब व्यावहार सुख का अभी अनुभव नहीं होता किंतु अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान के साथ सुख का संवेदन अनंत के रूप में होगा, वह नष्ट नहीं होगा और वह परिमित भी नहीं होगा। परिमित सुख जो मिलता है इंद्र सुख की विवक्षा में है किंतु वह परिमित है, पराश्रित है, ये पराश्रित नहीं किंतु घाटी कर्मों के नाश होने के फलस्वरूप इसे प्राप्त हुआ, फिर भी इसको अनंत चतुष्टय के रूप में स्वीकार। शब्दों में जो सुख मिलता है वह अव्यावाद गुण के साथ में, इसलिए उसको आठ गुणों के साथ स्वीकार किया। किंतु वहां पर उसमें उन्होंने सुख के रूप में न स्वीकार करके अव्यावाद के रूप में स्वीकारा, ये इसमें अंतर है। यहाँ पर बाधा सहित है
ये सिद्ध होता है। वहां पर बाधा से रहित है, ये सिद्ध होता है। बाधा क्या है? चार शेष घाते, अगात्य कर्म, शरीर नो कर्म आदि, और रूपी के साथ रहना पड़ता है। संघात का मतलब कैसे भी हो, दो यदि अणु एक अणु मिला हुआ है तो वह टूट करके भी मिल सकता है। एक एक अणु से भी दो हो सकते हैं। तीन अणु से एक अणु खिसक गया तो भी दो रह सकते हैं। चार अणु का होगा तो उसमें दो रह गए तो ये भी रह सकते हैं। इस प्रकार कई विकल्प इसमें हो सकते। हाँ, क्यों नहीं होता? होता ही। कोई भी हो उसमें सत्यांश जो है स्पर्श गुण के, वो जो नियम के अनुसार बताया कल नहीं परसों, चार सूत्र आप लोगों के लिए विशेष रूप से उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, आपके सामने रखा था। उसमें अंतिम सूत्र में उन्होंने यही निर्धारित कहा है कि बंदेज कौ पारिणाम कौ च, बंद होने के उपरांत वह परिणामी कौन होगा और परिणाम कौन रखेगा, अधीन किसका, किसके रूप में, किसके अधीन में रहेगा, या फॉर्म बोलते हैं ना आप लोग, फर्म, फर्म क्या बोलते हैं? हमारी ये पार्टी है तो पार्टी में जिसका जितना हिस्सा होगा उसी के अनुसार काम होगा। किसी के मान लो कम है उसमें हिस्सा, तो वह उस फर्म का नाम नहीं होगा, दूसरे का होगा। ऐसा तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया चार सूत्रों में, बंद होता गुणांशों के माध्यम से, द्रव्य का बंद होता है ध्यान रखना, इसलिए द्रव्य की पर्याय होती है। वह परिणमन पुद्गल परमाणु उन अंशों के माध्यम से परिणम कर जाते हैं। नहीं, बंद के नियमावली के बाद जो बंद होता है उसमें कौन किसके अधीन रहेगा, क्योंकि दो के बीच में बंद हो रहा है तो इसमें हावी कौन होगा, क्या बोलते हैं आप लोग, हावी कौन होगा, नेतृत्व क्या कौन करेगा, दबदबा किसका रहेगा, प्राय करके नीचे से, यद्यपि व्यवहार है लेकिन विवाह की अपेक्षा से कह रहा हूं कि नीचे से ऊपर की ओर ही कन्यादान किया जाता है। नहीं समझे तो कन्यादान किया जाता तो ऊपर वालों के यहां दिया, ऊपर वाले अपने अंदर में रखेंगे उसको। हाँ बिल्कुल, इसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने संत सर्वा सिद्धिकार किन्न गुड़म, किन्न गुड़ का है? हाँ, गुड़ नहीं कहा, क्लिन, क्लिन क्यों कहा, बहुत चिकना होता और बहुत मीठा होता, और इर्द गिर्द यदि मान लो लाल मिट्टी हो तो अपने रूप पर नहीं कर लेता, ज्यादा नहीं छतांबर हो तो कर लेगा। इसको उदाहरण दिया उन्होंने, बंदेज को पारिणाम का उच्च, किंतु हम दूसरे उदाहरण और दे देते हैं कि 20 किलो दूध है और आधा चम्मच भी नहीं है जामुन, अब कौन किसको परिणाम कराएगा है? बोलो, अधिक गुण वाला, ये आधे चम्मच है ही नहीं और ये तो 20 किलो है, पर्याप्त है, वह तो तरल से एकदम एक एक कण
उसका टूटना प्रारंभ होगा और जुड़ना प्रारंभ होगा। पतला था अब गाढ़ा होगा। बहुत जल्दी बाहर आता था, अब जिस मिटके में मटकी में उसको जमाया तो यूं कर दो मटकी को तो भी बाहर नहीं आएगा। स्कंदात्मक जो परिणाम हुआ है दो द्रव्यों का या तीन द्रव्यों के रूप में, उसके लिए कहा गया है तो परिणाम के लिए दो अधिक होना अनिवार्य है। हाँ, बंद के लिए बंद होने से तो जनुक त्रनुक इत्यादि होगा, वो उसके लिए, उसके बिना वह बंद नहीं होगा। इसलिए विभाव हो गया, स्वभाव नहीं रहा। तो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय का मतलब स्थूल होता ही है। रस रसांतर गंध गंधांतर आदि विभाव गुण व्यंजन पर्याय। अब रस से रसांतर, गंध से गंधांतर आदि जो विभाव गुण व्यंजन पर्याय माने जाते हैं, हरा था और पीला हो गया, खट्टे से मीठा हो गया और गंध कुछ भी नहीं रहता था, सुगंधित हो गया, इस सारी सारे, और वह कठोर था अब कोमल मृदु हो गया है, और पहले खाने योग्य नहीं था अब ये खाने योग्य हो गया। पहले तो तीन चार आयन का आनाय में, एक आनाय में आचार के काम में आता था, अब 4 रुपये 10 रुपये 20 रुपये किलो जैसे आप बाजार में देखोगे। ये सारे सारे परिवर्तन उसके गुण के गुणांतर के रूप में कह रहे हैं। पुद्गल द्रव्य के ये हैं सब, ध्यान रखना। इसके स्वामी कौन? पुद्गल द्रव्य, रस्य रसांतर गंधांतर विभाव गुण व्यंजन पर्याय। अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। विभाग से और दूसरा कोई भाग न हो, ऐसे कोई स्कंद है और टूट गया, पुद्गल परमाणु माना जाता है। ये कार्य परमाणु माना जाता है। टूट करके यदि परमाणु भाग आ गया तो वह कार्य परमाणु, और एक कारण परमाणु होता है तो स्कंद के लिए कारण होता है। जो स्कंद के लिए कारण होता है उसको कारण परमाणु, और स्कंद से जो टूट करके आता है उसको भेदाद अनु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। किंतु स्कंद की उत्पत्ति भेद से भी और उत्पाद से भी, संगात से भी और भेद संगात से भी, भेद संगाती भ्य बहुचना दिया है, इसमें तीन भंग होते हैं। अविभागी पुद्गल परमाणु, अविभागी का अर्थ होता है जिसका कोई भाग न हो, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाए। वर्ण गंध रसई कई का विरुद्ध स्पर्श द्वयम् स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। ये आपको ज्ञात रहे कि पुद्गल हमेशा हमेशा चार गुणों को लेकर के चलता है। ये चार गुण उसके गुण माने जाते हैं, किंतु उसके साथ साथ और कौन कौन रहता किसके साथ? अविरुद्ध वर्ण भी अविरुद्ध होना चाहिए, गंध भी अविरुद्ध होना चाहिए और रस भी। इस प्रकार ये एक एक अविरुद्ध स्पर्श, और स्पर्श के एक नहीं किंतु दो रहेंगे। इस प्रकार स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय में इन्होंने इसकी गिनती की है। इसमें किसी प्रकार से
दो स्पर्श दो हुए अपने अविरोधी, तो यह दो गुण नहीं हुए, क्योंकि स्पर्श गुण के दो हुए। स्पर्श तो अपने आप में मूल में एक ही है, किंतु एक परमाणु में स्पर्श की पर्याय कितनी रह सकती है, उस विषय में यह कथन किया गया है कि स्पर्श द्वयम् और वह आपस में अविरोधी हो, ऐसा। वो कौन कौन है इसका भी कहीं उल्लेख मिला? हाँ, वो नहीं रहेगा, लेकिन ये जो सूत्र में जो भाव दिया वो उससे अलग दिख रहा है। वो ये है कि स्पर्श के आठ भेद हैं, जोड़े जोड़े चार हो जाते हैं, उनमें से अविरोधी हो दो युगल, एक युगल स्पर्शद्वय रहेगा तो सही। हम ये कहना चाहते हैं कि स्वीट और उष्ण इसका नियामक नहीं बनाओ, तो दो रखना है अपने को, लेकिन वो नियामक बना रहे हैं, उसमें ये सूत्र में कहीं ये भाव नहीं आ रहा है। सूत्र में तो इन्होंने कहा वर्ण गंध रसायिक एक अविरुद्ध स्पर्शद्वयम्, ये कहा। इसलिए हमारा सोच ये है इस सूत्र के अनुसार भाव अलग निकलता है, और एक परमाणु में चार जो रहते हैं वो क्या रहते, तो वो नियामक बना रहे हैं। हाँ, चार तो रहेंगे ना, हम कहा मान रहे हैं, लेकिन अविरुद्ध दो कहने से जिसकी आपने जिसका आपका विधान किया उससे हम उल्टा भी विधान कर सकते हैं। अविरुद्ध चार आठ में से तो दो लेना अपने को, हल्का भारी है तो इसमें से एक ले लिया, लेकिन वो कहते हैं कि वो हम नहीं लेंगे, वो महत्वपूर्ण परिभाषा हो जाती है, इससे हट करके है वो परिभाषा। इन्होंने स्पष्ट अंत में लिखा कि अविरुद्ध स्पर्शद्वयम्, वर्ण एक, गंध एक, रस एक और एक विरोध से रहित स्पर्श दो, दो, दो स्पर्श का युगल, ऐसा। और बंध जो होता है, ये भी ध्यान रखना, बंध जो होता है वह स्पर्श गुण की विशेषता में ही होता। अच्छा, आचार सार में ये कहा गया अनुष्य पुद्गलो भेदात अवयवय प्रत्ययशक्त कायस्य स्कंद भेदोत्थ चतुरस्य प्रतीन्द्रिय। अब देखो, इंद्रिय ग्राही नहीं है, उसका नाम अनु है, वह पुद्गल है। अभेद अवयव, इसमें जो कुछ भी है वह अभेद को लिए हुए, यानी सबका प्रदेश एक है। प्रचय शक्तितः, चूंकि इसके पास स्कंद बनने की शक्ति विद्यमान है। कायस्य, इसीलिए इसको बहुप्रदेशी कहा जाता है, स्कंद के भेद से। उठ चतुरस्य तु अतीन्द्रिय, और ये ध्यान रखना स्कंद के भेद से भी यह स्कंद का भेद हो गया तो उत्पन्न होता है, अथवा अनादि अनिधन भी रह सकता है, इसमें दो मत भी है। अनादि काल से कोई परमाणु स्कंद बने बिना नहीं रह सकता, ऐसा नहीं, ऐसा भी एक मत मिलता है, किंतु कहीं भी उल्लेख स्पष्ट नहीं मिल पा रहा है। वह नहीं नहीं रह सकता, रह भी सकता ये सिद्ध है। अन्यथा कारण परमाणु क्यों कहा,
अब कारण परमाणु जो हुआ है स्कंद के लिए कारण वह साधी ही स्कंद है संत का और वह अनु बना है फिर बाद में स्कंद के लिए कारण हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए अनादि काल से जैसे कर्म वर्गना के रूप में कोई वर्गनाएं परिणत ही नहीं हुई है ऐसे भी है शून्य के रूप में अब इसको प्रयोग करके आप निकालते हैं अर्थ इतने शून्यों के पार करने के उपरांत एक और आता है एक और आता है ऐसा आता है। तो उसी प्रकार परमाणु भी अनंतानंद ऐसे भी हैं जो किसी वर्गनाएं अथवा स्कंद के रूप में परिणत नहीं हुए परिणत हुए हैं तो अणु की उत्पत्ति जब कभी होगी तो भेद से होगी यह नियम बनाने के लिए भेदाद अणु इसलिए कहा। शाश्वत नहीं रख रहे हैं हम नहीं रह सकता उसके लिए हम कह रहे हैं हम क्या बात हो गई नहीं रहे ऐसा तो कहा नहीं गया। हाँ तो जीव में है ना हाँ नहीं वो पुनः नहीं बनेगा एक बार लेकिन एक बार अनंत काल से है तो विभाव इसमें कोई बाधा नहीं पुद्गल के अनुसार ही हमारा परिणाम हो ऐसा कोई नियम नहीं। दोनों ने दोनों की नहीं अनु की अनु की अनु की अनु की उत्पत्ति यदि होगी उत्पत्ति के सवाल नहीं रहने की बात कह रहे हैं तो रह सकता हूं लेकिन जब कभी भी अनु का ये उत्पादन हुआ तो वह भेद से ही होगा संघात से नहीं होगा ये हमारा कहना था और न ही भेद और संघात से होगा किंतु केवल भेद विकल्प से ही उस अणु की उत्पत्ति होगी क्योंकि स्कंद से वह टूट रहा है और टूटने का अर्थ भेद होता है। ये नहीं कहा था वहां पर भी उस समय भी हमारा आशय ये था कि अनादि काल से अनंत काल तक अभी तक तो जैसे निगोद है ना नित्य निगोद उसी प्रकार पुद्गलाणु भी दो प्रकार के बन सकते हैं एक नित्य जो है अणु के रूप में है एक अनित्य अणु के रूप में अभी तक नहीं हुआ स्कंद अब आगे हो सकता होता है और अभी तक जीव तुष्पर्याय में आया नहीं है अथवा जो छोड़ा नहीं अब छोड़ सकता ऐसे दो भेद बनते हैं इसलिए इसको कहा था भेद तुम अशक्य का अर्थ अभेद्य प्रचय शक्ति से स्कंद रूप के द्वारा परिणाम स्कंद ये हो गया अनुभव कार्य लिंगा से देखो चतुष्कोण नहीं है वो तो जी को टिप्पणी कारण का सुनो वह चतुष्कोण ऐसा कह सकते हैं चतस्र का अर्थ यह है कि वह चार अणु वाला है वो चतस्र दो अणु वाला द्वनुक त्रि अणु वाला त्रणुक तो चतुष्क अणु का अर्थ ये है कोण नहीं है वो किंतु जो चार अणु वाला जो स्कंद होगा वह चतुष्को चतुष्कोणु चतुष्कोणु हाँ हाँ उसी को तो हम कह रहे हैं बनने को चतुष्कोण नहीं होता त्रिकोण ऐसा नहीं होता हाँ वो सुनो चार अणु वाला जो अणु होगा स्कंद होगा वो चतुष्को अणु ऐसा कहा जाए जिसमें अणु चार हैं त्रेणुक अणु अणु जोड़ो नहीं उसके साथ भिन्न भिन्न करके
समाज किए बिना रखो। जनु कह त्रेणु कह, क्यों कह प्रत्यय लगने से ऐसा हो गया है, ऐसा भी पाठभेद मिल सकता है यहाँ पर। ये चतुष्कह क प्रत्यय लगा करके ये तो चतुरणु कहीं कह नहीं सकते हम। इसलिए चार अनुसंबंधी जो स्कंद होगा वह चतुष्क माना जाएगा। तो अनु तो है ना, वो अनु चार अनु को लेकर के कहा जा रहा है। स्कंद है लेकिन इसमें जिस स्कंद में चार अनु हैं उसका नाम चतुष्कोणु का अध्यय है। कोण जो लिखा वह कोण ऐसा नहीं कि जिसमें एंगल होता हो, इंग्लिश में इसको एंगल बोलते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो आदि मध्य अंत से रहित रहता है तो इट हैज नो एंगल, सर्कल हैज नो एंगल। सर्कल मैंने वर्तुल, वर्तुल में किसी भी प्रकार से एंगल नहीं होता। इसी प्रकार हमारे अणु में किसी प्रकार के कोण नहीं होते, ये तथ्य। और वो इसमें कोई चतस्रह इसमें कोई बाधा नहीं आता, इसमें कोई बाधा नहीं आता, लेकिन वह चतुष का यहाँ पर सर्कल का वर्णन नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर का वही स्क्वायर का वर्णन नहीं कर रहे हैं, किंतु कोण का वर्णन नहीं कर रहे हैं, किंतु चार अणु वाला, तीन अणु वाला, दो अणु वाला, ये इस जनुक इत्यादि का वर्णन, स्कंद का वर्णन चल रहा है। इसलिए कोण का कोई सवाल उठता ही नहीं। कुछ आचार्य ने माना हो लेकिन मान करके भी उसमें यही दृष्टिकोण रखना चाहिए। दृष्टि में कभी कोण नहीं होता किंतु आशय में हुआ करता है। कोट किए करने की क्या बात हो गई, इतने इतने प्रकार के ग्रंथों के आधार हमने लिए, ये बताना आवश्यक है। इससे थोड़ी स्पष्ट हो रहा है, आदि वही आदि, वही मध्य, वही अंत, जिसने हो उसका कोई इच्छ नहीं होता। आदि भी वही, अंत भी वही, यही तो सब मामला गड़बड़ हो गया है। अनेकांत नहीं है, अनेकांत नहीं, स्पष्ट है, स्पष्ट एकांत है ये। हाँ, क्योंकि अनु को उसी को बोलते हैं, अभेद्य ये कहा, और इसे और स्पष्ट हो जाता है। हाँ, जिनकी दृष्टि में कोण होने से ही बंध होता है, जुड़न होता है, ऐसी जिसकी दृष्टि है, धारणा है, वो व्यक्ति इस प्रकार कह देता है कोण का। आज का विज्ञान भी इसको कोण के रूप में स्वीकारता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है हम अग्रंगदेव के जो तीन लोक के संबंधी जो है उसमें कोण नहीं है। हाँ, और कृष्णाड़ी के लिए भी स्क्वायर नहीं रखा, और लोक के लिए भी उन्होंने स्क्वायर के रूप में नहीं रखा, एंगल नहीं रखा। वह संभी तरु सार युवे, तरु मैंने वृक्ष, वृक्ष में सार की भांति, सार कभी कोणदार नहीं होता, गोल होता है, मूसल जी की भांति। कहीं कहीं पर मूसल में भी कोण संभव है, लेकिन प्राय करके ये क्योंकि एंगल हो जाए, मूसल को पटक दो तो फूल बहुत जल्दी हाथ में हो जाते हैं, ध्यान रखियो। हाँ, और यदि एंगल नहीं होते तो वह ठीक रहता, ऐसा। इसलिए सार को उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है। अच्छा, वो देखना था अपने को। शीत चतुष्टय, शीत चार, सात चार हैं, उनमें स्पर्श में शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष चतुप्रकारे, ये चार होते हैं।
इनमें से दो ले लो, बाकी को इनको स्वीकारा नहीं, हल्का भारी और कड़ा नरम, ये चार को उन्होंने छोड़ दिया आठ में से, और इन चार में से दो को ले लो, शीत में से उसमें से एक ले लो, स्निग्ध में से और रुक्ष में से एक ले लो, बाकी हल्का भारी परमाणु में नहीं रहता, इसका अर्थ ये है उसका आभार मानो। अब क्या करोगे? सुनो तो पहले, वो ठंडा गर्म होता ही नहीं, लेकिन वहां पर हल्का भारी भी नहीं होता वो, और कठोर और मृद भी नहीं होता, ये है। हाँ, मौन में नहीं पाएंगे। अब देखो, परस्पर विरोध कहो, ये परस्पर में विरोध न आए ऐसे, स्नीत स्निग्ध शीत रुक्षो उष्ण स्निग्ध उष्ण रुक्षो, एकदा एक समय में, एकस्मिन समय एकदा, शीतोष्ण योर एकम, शीत और उष्ण में एक, स्निग्ध रुक्ष में एक, उक्तम च महापुराण, महापुराण में कहा भी गया, अनवह कार्य लिंगाश्चु परिमंडला एक वर्ण रसा नित्या शुह अनित्याश्च पर्ययै अनु, नित्य है क्योंकि एक वर्ण रस के अपेक्षा से, अनित्य है पर्यायों की अपेक्षा से, परिमंडला, देखो क्या कहा एंगल नहीं, परिमंडल का अर्थ क्या होता है, वही आदि वही मध्य और हाँ दो मत कहा रखा, हमारा मत रखा गया, अनु है कार्य लिंगाशु, अनु कार्य के लिंग भी है, द्विस्पर्श दो स्पर्श वाला है, परिमंडला एकदम पॉइंट है, यूनिट ऑफ एटम, यूनिट ऑफ मोड मैटर, मैटर कह सकते हैं, वह पुद्गल का इकाई है, आधार है, उसके बिना आगे स्कंदादि का निर्माण नहीं होता, इसलिए उसको एटम कहा। तो एटम हैज नो एंगल, ये इसका अर्थ, और जो ही पुद्गल आएगा वो उसमें, उसको हम मूर्ति भी बोलते हैं, जनाचार्य के अनुसार उसको मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति का अर्थ उसका शेप आ गया, उसका भी शेप रहता है किंतु एंगलदार होता है, और वह एंगल से रहित होता है, एक क्षेत्र वाला कहलाता वो, प्रदेश के जैसे में जिसमें नानो कहा, अनु के पास प्रदेश आकाश प्रदेश नहीं, नहीं बहु प्रदेश नहीं है, इसलिए वो अस्थिकाय में नहीं आता है, काय वह स्कंद की विवक्षा में, ऐसा कुछ नहीं, हाँ बहु प्रदेश के पीछे पहले कह दिया था हमने, त्रेणुक के भी है, तीन तीन में है ना, तीन तीन के लिए भी कहा, तीन प्रदेश जिसके में हो अथवा एक प्रदेश में ही वह रह सकता स्कंद, ऐसा करते जाओ। गोल पोल नहीं, उसमें गोल भली है, हमारे करना ही सुन तो लो ना, हम उदाहरण बहुत अच्छा मिला, आपने गोल कहा हमने पोल कहा, परमाणु गोल होते हुए भी पोलदार नहीं, इसलिए बन जाएगा, बीच क्यों कह रहे हो आप, वही बीच वही मध्य वही आदि, जब वही अंत, ये डेफिनेशन हमने बता दिया आपके सामने रखा, बीज क्यों कहते हो, ये बीज में नहीं बोलो आप, ऐसे को है ही नहीं ना, इसलिए तो हमने पोल रहित है इसलिए कहा,
वहां पर पुल है ही नहीं। हाँ, जो वो उसको छोड़ दो महाराज, उसका विषय ही नहीं। हमारा विषय यह है कि पुल रहित अणु है। पुल में अणु किसे रखोगे? है ही नहीं। इस वही आदि, वही मध्य, वही अंत उसी में कर रहा है। वहां में बॉम्बे में क्या कहावत है, सब कुछ मिलता है, खूब सस्ता मिल जाए, सब मिल जाएगा, पर जगह की बात कमी है, जगह ले आओ। ये समझे, बॉम्बे में जगह नहीं मिलती। अब क्या, ऊपर जाओ, ऊपर की भी वह बिकती ही जमीन, जमीन है ही नहीं, लेकिन 10 मंजिल के ऊपर 11वां मंजिल क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम करेंगे, क्या करेंगे, 10 मंजिल तक जो है मान लो 100 फीट हो गया, फिर इसके उपरांत 11वां मंजिल वो लेना चाहता है, क्योंकि ऊपर है, सरकार बेचेगी, तो इसने क्या कर दिया, 10 मंजिल वाला 1 फीट अपना जगह छोड़ दियो वहां पर। नहीं समझे, हाँ बना दो, हमारा आधार नहीं ले सकोगे। हाँ, क्या कहना हो जाए, कहीं नहीं। हाँ, हाँ डालो डालो, कहाँ कैसे करेगा? नहीं नहीं हो गए, नहीं आपका है ही नहीं, आप चतुर है तो ये और चतुर कौन वाले। ये वहां पर ऊपर भी जगह बिकती है, हवा मेल भी धरती पर रही है, फिर बाद में हवा ज्यादा चलती ऊपर, इसको हवा मेल भी बनती, ऐसा है ही नहीं, बीच में कुछ है ही नहीं महाराज। बंद तो होता है स्निग्धत्व रुक्षत्व से, गोलदार पोलदार से मतलब नहीं, ऐसा है। अनादनिदने द्रव्ये स्वपर्याय प्रतिक्षणम्, स्वपर्याय है वो, उन्मज्जन्ति नमज्जन्ति जलकल्लोल वज्जले। द्रव्य कैसा है? अनादि अनिधन है। अब इसमें पर्याय कैसे हैं? प्रतिक्षण, उन्मज्जन्ति उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। जलकल्लोल वज्जले हैं, जल में जो लहरें उत्पन्न होकर के समाप्त हो रही, लहर लहर को पैदा नहीं करता, जल में लहर पैदा होते हैं, और ये जल का परिणाम है, इसलिए वह कल्लोल कहा, सरोवर में या जल में। इस प्रकार उदाहरण देकर के आपको बताया। धर्मा धर्म नवकाला अर्थ पर्याय गोचरा व्यंजने तु संबद्धौ वावन्यौ जीवपुद्गलौ। धर्म अधर्म और आकाश और काल, ये सारे सारे अर्थ पर्याय से युक्त हैं। व्यंजन पर्याय से युक्त यदि है द्रव्य, तो जीव और उद्गल द्रव्य हैं। इन्हीं व्यंजन पर्यायों में स्वभाव और विभाव की व्यवस्था होती है। बाकी जितने भी द्रव्य हैं वो सब शांत हैं, शुद्ध हैं, और अनंत काल तक शांत शुद्ध ही रहेंगे। स्वभाव व्यंजन पर्याय है वो, जो जो जिसके पास है वह होते हुए भी उसमें उस आकार तो है, किंतु आकार होते हुए भी उसमें जैसे जीव का आकार अथवा विभाव के साथ वैसा उनमें नहीं बनता,
उसके पास प्रदेश है, हाँ, असंख्यात प्रदेश, एक जीव द्रव्य और धर्म और अधर्म और लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश होते हैं। ये कहा, ये अनादिकाल से हैं, रहेंगे। अर्थ पर्याय गोचर, धर्म अधर्म और आकाश और काल, ये सारे सारे अर्थ पर्याय गोचर, जो अर्थ पर्याय के लिए पहले बताया था, छह गुण हानि वृद्धि आदि रूप में होते। ये उदाहरण है, ये वह एक रत्न दूसरे रत्न जैसे नहीं जाता, किंतु पुद्गलानो एक दूसरे में अवगाह अवगाहित कर लेते हैं, दे करके ले करके, किंतु कालानु में एक का दूसरा कालानु घुस नहीं सकता ऐसा, क्योंकि उसमें क्रियावती शक्ति का अभाव है, स्थान से स्थानांतर होने रूप भी उसमें कोई किसी प्रकार से क्षमता विद्यमान नहीं है, किंतु एक अणु यहाँ से यहाँ पर आ सकता, यहाँ का वहाँ जा सकता, और दोनों के साथ संबंध भी हो सकता है। के कारण कालानु के पास क्रियावती शक्ति भी नहीं है जो यहाँ का वहाँ वहाँ के यहाँ आ जाए, और दूसरा क्रियावती की साक्षात स्निग्धत्व रूक्षत्व भी नहीं है उसमें, इसलिए एक कालानु दूसरे कालानु से चिपक करके स्कंद का रूप धारण नहीं करता। इति पर्याय अधिकार, इस प्रकार पर्याय का अधिकार आपका समाप्त हो गया। हाँ, जो कल नहीं परसों चार सूत्रों का जो आप लोगों के लिए उदाहरण दिया था, वह किस अपेक्षा से दिया था उसका स्पष्टीकरण कुछ लोगों ने कहा था कि इस स्पष्टीकरण क्या गुणांशों को लेकर के हुआ था, वो गुणांश, ये गुणांश के अपेक्षा से ही अंत में बंद होने के उपरांत उन्होंने द्रव्य के साथ उसको घटित किया है, नहीं समझे तो मतलब परिणाम रूप जो हुआ है वह द्रव्य में हुआ, एक गुण से दूसरे गुणांतर रूप अनुभाग को लेकर के, पोटेंसी को लेकर लेकर के, गुणों में जो सत्यम से है उस रूप परिणाम कौन कर रहा है, तो उसका वह विशेषण अधिकौ पारिणामिकौ च, इसके द्वारा उदाहरण दिया। यह है, पहले गुणांश जगन्य भी है तो उससे दूसरा परमाणु का या दूसरा स्कंद का संबंध नहीं होगा, समान गुण वाले और सजाती है तो भी उनका बंध आपस में नहीं होगा, क्योंकि वो गुणांश स्पर्श गुण संबंधी है, इसीलिए अथवा राग द्वेष है जीव में, यह स्निग्धत्व रूक्षत्व को ले हुए हैं, ये तभी यह बंद होगा, तो जीव में बंद होगा, जीव के द्वारा बंद होगा, जीव ही बंधक करने वाला है। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य में होगा, वह पोटेंसी उसके पास स्निग्धत्व रूक्षत्व है, यदि वह जगन्य रूप परिणाम कर रहा है स्निग्धत्व अथवा रूक्षत्व, तो किसी के साथ उसका तालमेल नहीं होगा। उसी प्रकार अपरिणत ग्यारहवें गुणस्थान में उनको, जीव को उन्होंने अपरिणत कहा और विच्छिन्न नहीं कहा, क्योंकि उसकी सत्ता में मोह विद्यमान है और न ही योग से विच्छिन्न हुआ है, इसलिए वह उपशांत तो हुआ, इसलिए अपरिणत मोह के परिणाम नहीं करना मोह रूप में, इसलिए उसके साथ बंद की व्यवस्था नहीं। बारहवें गुण स्थान में बंद है, मोह संबंधी नहीं है किंतु योग संबंधी है, किंतु मोह के विच्छिन्न होने के कारण ग्यारहवें गुणस्थान में जो रह रहा उसके अपेक्षा से यह
बंद नहीं, विच्छिन्न के साथ यह बंद नहीं कर रहा। अब इसके उपरांत योग और अयोग दो के बीच में लगाओ तो योग में अपरिणत भी है, परिणाम नहीं करेगा, विच्छिन्न भी है। विच्छिन्न क्या है? मोह का विच्छिन्न वहां पर भी विद्यमान है, किंतु योग से विच्छिन्न नहीं है, इसलिए वह बंद कारण। अयोग के विली में न ही वह परिणत है और न वह विच्छिन्न भी है, और योग की विवक्षा में भी वह योग का अभाव रूप, योग अभी विच्छिन्न हो चुका है, इसलिए वह एकांत रूप से अबंधक है। ये कषाय सहित था, कषाय सत्ता में लेकर के चल रहा था ग्यारह गुण स्थान में, इसलिए विच्छिन्न नहीं कहा, किंतु अबंध तो है। यापत कर्म को प्राप्त कर रहा, किंतु चौदह गुण स्थान वाला कोई भी काम नहीं कर रहा। तो इस प्रकार वहां पर बंद की व्यवस्था कौन कर रहा है? तो गुणांश है, गुणांश से गुणांश तक पहुंचने वाला द्रव्य है जो परिणाम कर रहा है, वह पारिणामिक है, यानी परिणाम परिणाम कराने वाला है। ऐसा वो परिणामी कहलाएगा। तो परिणाम एक शब्द है और इनंत प्रत्यय इसमें लगने से परिणामी कहलाएगा। तो गुणों को नहीं कहा परिणामी, किंतु वह द्रव्य को कहा जिसके पास दो गुण अधिक हैं। ऐसे गुण से गुणांतर होता है ये कहा जा रहा है, क्योंकि परिणाम जो निकल रहा है वो परिणाम गुणों का नहीं किंतु द्रव्य का है, इसलिए वो परिणामी हुआ। यदि गुण को परिणामी कह देंगे तो वही वह अधिक गुण वाला ये इत्यादि होगा, द्रव्य नहीं होगा। यह द्रव्य व्यंजन पर्याय की बात कही जा रही है, ये तो कम से कम ख्याल में रखो। इसको हम भूल जाते हैं, स्वामी और भोक्ता और कर्ता कौन है? ये तीनों मेल हैं। यदि गुण कर्ता हो गया, गुण का वह कर्म हो गया, तो जीव का कर्म होगा ही नहीं, जीव का परिणाम होगा ही नहीं, तो जीव परिणामी होगा ही नहीं। किंतु जो परिणामशील है उसको परिणामी कहा गया है। एक और आता है समय सराधिक में, यदि नित्य कूटस्थ मानोगे तो जीव द्रव्य परिणामशील सिद्ध नहीं होगा। यदि भाव कर्म रूप परिणाम नहीं करता है जीव स्वयं, तो निश्चित बात है बंद कभी होगा ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष परिणाम उसमें होंगे। यानी राग द्वेष रूप परिणाम कौन कर रहा है? कोई गुण है? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुगुण आदि नहीं, स्वयं जीव द्रव्य राग द्वेष रूप परिणाम करता है, इसलिए वह बंधक होगा और बंध से युक्त होगा। और राग द्वेष नहीं करेगा तो बंध तो बंध बंधा हुआ जो है वो छूटेगा पक्का, इसलिए वो परिणामी कहा उसको। केवल पुद्गल को ही कर्मकर्त्री ऐसा कह देते प्रकृति, वह सांख्य के यहाँ है, अपने यहाँ नहीं है। संक समूवा अन्न, हाँ संक समूवा, यदि कूटस्थ नित्य अथवा परिणाम के बिना राग द्वेष के परिणाम के बिना रहता है तो वो कहते हैं द्रव्य कर्म ने भाव, हाँ द्रव्य कर्म निमित्तताम पर मेक एव कलयंतु एतु ते उत्तरंति नहि मोहवाहिनी शुद्ध बोध विदुरांत बुद्धय। ये कहा जो व्यक्ति द्रव्य कर्म में केवल एकांत से पर द्रव्य को ही निमित्त मानते हैं, आत्मा का उसमें कोई हाथ नहीं है, समय सार पढ़ते हैं, कलशा को गाते हैं और सबको बताते हैं,
आत्मा तो देखो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार एकांत से परद्रव्य को ही राग और द्वेष इत्यादि में निमित्त मानता है, आत्मा का उसमें कोई हाथ नहीं है, वह शुद्ध शुद्ध उपयोग ज्ञान से विदुर है, रहित है, अंध बुद्धया वे अंधे हैं, उनकी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है। इसे कलशा में लिखा है, मतलब कि कलशा याद होती है, नहीं समझे? हाँ, हर एक व्यक्ति इसको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि कलशा है, शिखर बना फिर बाद में चढ़ाया जाता है, कौन ऊंचे तक पहुंचेगा? हम कथनचित इसमें लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आगम में ऐसा उल्लेख नहीं है। ऐसा जहां आगम में उल्लेख नहीं है, कथनचित हम नहीं लगा सकते। कथनचित सिद्ध परमेष्ठ भी क्या कथनचित? हाँ, आ जाती हूं वहां से, ऐसे लगा दो। हाँ, ठीक ठीक है, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था है उनसे बिल्कुल हटकर के है, बाहर है, संसार में मुक्ताश्चर्य, और संसार में सब आ गए अर्हत परमेश तक, अयोग केवली तक, बाकी उसमें आते नहीं वो, इसलिए मुक्त दूर है। कम माँ कहा उनको, कर्म से रहित हैं, कोई कार्य नहीं करते, उनका कार्य अलग है। अब देखो, दूसरी तरफ से किसी को ये संदेह न हो, गुण क्या और पर्याय क्या है, अलग इसका कोई खाता हो, ऐसा नहीं। ये कहते हैं गुण पर्याय वत द्रव्यम, तत्वा सूत्र में भी ज्यों का त्यों ये सूत्र आता है। एक और आता है गुण समुदाय व द्रव्यम, गुणों की समुदाय वाला द्रव्य होता, यहाँ पर गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। द्रव्य क्या है ये आपको सोचना है। नाम की अपेक्षा से हम अलग मानते हैं, संख्या गुणों के अनंत है और ये द्रव्य के जो है एक है, संख्या भी भिन्न हो गया, संख्या भी भिन्न हो गए, और प्रयोजन है, हाँ लक्षण, लक्षण द्रव्य का लक्षण अलग है, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, यह द्रव्य के लिए कहा गया है, ध्यान रखना, गुण के लिए नहीं कहा। इससे स्पष्ट है गुणों में उत्पाद व्यय आदि कुछ नहीं होते, किंतु गुण के सागुण एक प्रकार से अपना प्रयोजन अलग रखता है, वो क्या होगा, द्रव्य का विधान करता है, और वह द्रव्य के करण के रूप में काम में आता है। द्रव्य जब कभी भी काम करेंगे गुणों की विवक्षा में करेंगे, गुणों से करेंगे, लेकिन करण को हम कर्ता के स्थान पर नहीं रख सकते। यदि करण कर्ता हो जाए तो द्रव्य क्या करेगा, शांति से विश्राम कर लो। सब अपने अपने काम बटे हैं, परिणाम का हाथ तो उनके पास हो गया, आवरण तो गुण है, द्रव्य को तो विश्राम कर लेना चाहिए, परिणामशील है ही नहीं, परिणामशील जो कोई भी है वो गुण है और वो अनंत है, द्रव्य के साथ रहते हैं तो द्रव्य में रहते हैं, जो कर लो, जो कुछ भी हलन चलन गतिविधियां होंगी, जो घर में रह रहे हैं उनके द्वारा होंगी, घर रहने के नहीं, सुन रहे हो आप लोग,
चौकी में पराया करके, महाराज ये गर्दनी है, दिखते ही नहीं कहीं। वो बोलते भी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम घर में आते हैं तो मौन रखना चाहिए, क्योंकि हम घर के नहीं हैं, हम बाहर के, हमारा कार्य क्षेत्र भिन्न है। आप सुना करो, घर में आते ही वहां क्या ऑर्डर आता है, आप सुना करो, कुछ काम नहीं करो, काम तो करके थक करके आए, बैठो जाओ, वो करो ये करो वो करो, अब कुछ नहीं करो आप, विश्राम। ऐसा ही द्रव्य का हो गया, स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए यहां पर आ रहा है ये गुण पर्यवत द्रव्यम कथंचित, पंचाशी काय में इस प्रकार की गाथाएं आई हैं। यह इसलिए आया है कि द्रव्य से ये पृथक नहीं होते, पर्याय कथंचित एक छूटती है, दूसरे उसके स्थान पर उत्पन्न होती है। कथंचित इसलिए कहा, कुछ ऐसी पर्याय हैं एक बार उत्पन्न होने के उपरांत मिटती नहीं है। बस चिंतामणि किंचित वस्तु लाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। तत्सुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासी अर्थं गणहर देवी गंतियं सम्मं प्रणमामि वर्तयतो सुधराणमोहिं शिरसा। इच्छा मंत्री सदभक्ति का सुख को तिरसा लोची अंगो अंग।